हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग नेक्स्ट सम कर रहे हैं मोगाम्बो वाला, लेबर कॉस्ट का ही सम है। तो इसके पहले भी मैंने गब्बर वाला सम अपलोड किया था। तो अभी मोगाम्बो मतलब लेबर कॉस्ट में ये पता करना है कि बंदा जो काम कर रहा है कंपनी उसके पीछे कितना खर्चा कर रही है। तो उसकी एक घंटे की पगार निकलना है कितने की, तो सम इतना भी आता है। कभी कभी ना और भी चार लाइन दिए रहेगा, वो भी बड़ा रहता है, कॉस्ट शीट बनाने का रहता है। तो बेसिक से अच्छे से सॉल्व करते और बाकी का भी जितना भी लेबर है सब अपलोड कर दिया। तो मोगाम्बो क्या एक एम्प्लॉई है, किधर काम कर रहा है, मिस्टर इंडिया, कौन सी कंपनी में काम कर रहा है। तो ये कंपनी है, उसको काम पे रखी है मोगाम्बो को, और उसको क्या दे रही, बेनिफिट दे रही, मतलब कुछ तो दे रही है। तो उसकी पगार कितना है, 42,000 पर मंथ, ज़्यादा पगार दे रही है भाई। तो उसका कॉस्ट निकालेंगे ना, तो जो भी कंपनी दे रही है उठा के आप पटक दो। तो सबसे पहले कंपनी इसको क्या दी, बेसिक वेजेस क्या दिए, तो आप लोग लिखे गए बेसिक वेजेस, मारो हिसाब एक महीने का कितना दे रही है, 42,000, तो 12 महीने के हिसाब से कितना हो जाएगा भाई, 5,04,000। मतलब मोगाम्बो का 5,04,000 जमा हो गया, राइट। सुबह 9 बजे गया, शाम को 6 बजे 5,04,000 जमा हो गया ना। तो कंपनी की तरफ से उसका कितना खर्चा हो रहा है वो प्रोवाइड करने का, लेबर कॉस्ट है। फिर आगे जाता हूँ, कंपनी इसको DNS अलाउंस दे रही है, क्या दे रही है, सैलरी के साथ और अलग से दे रही है इसको खर्चा पानी। DNS अलाउंस कितना परसेंट बोले, ऑफ क्या बोला है, बेसिक बोलो तो ये होता है ना यार, तो 50% दे रही है कंपनी इसको ऑफ बेसिक। तो 50% किस पे निकालेंगे, 5,04,000 रुपये, तो आ जाएगा 5 का आधा 2.5 लाख, तो और 4 का आधा 2, 2,52,000 उसको क्या मिल रहा है मालूम है, DNS अलाउंस क्या मिल रहा है। फिर बंदा और अच्छे से काम कर रहा है, कंपनी ने उसका क्या करा है, PF करा है, इंश्योरेंस करा है। मतलब मिस्टर इंडिया ने मोगाम्बो का PF करा है और इंश्योरेंस करा है, जब काम छोड़ेगा तो उसको मिलेगा ना प्रोविडेंट फंड। तो वो भी क्या है, लेबर कॉस्ट में ऐड होता है, PF है, स्टेट इंश्योरेंस है। PF कितना दे रही कंपनी इसको, 10%, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, 10% किस पे दिया, बेसिक बोले तो कौन सा, पहला दूसरा, पहला मतलब 5,04,000 रुपये 10% है ना, तो कितना आ जाएगा, 50,400। सो सिंपल। फिर कंपनी और क्या दी, 4% दी, क्या दी, ESI बोलो तो इंश्योरेंस, 4% किस पे दे रही है, बेसिक बोलो तो कितना, 5,04,000 रुपये 4%, कितना है भाई, 20,160 भाई, कैलकुलेशन राइट बताना नहीं तो फिर यूट्यूब पे करेक्शन करना पड़ेगा, सिंपल। फिर मिस्टर इंडिया कंपनी मोगाम्बो को क्या दे रही है, बोनस दे रही, क्या दे रही है, बंटी अच्छे से काम कर रहा है ना तो उसको बोनस भी दिया, मोगाम्बो खुश हुआ। फिर वो 20% दिया, कितना दिया, बेसिक कितना है, 5,04,000, तो कितना आ जाएगा भाई, 5,04,000 का 20% 1,02,000, 1,08,000, हाँ 400 है ना, 1,08,000, तो ये कंपनी इसको बोनस दे रही, राइट। अब इधर कंपनी इसको अलाउंस भी दे रही, क्या दे रही है, मेडिकल, घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट, कन्वीनियंस, ट्रैवलिंग, तो ताकि पैदल ना आए, थके नहीं, इसलिए मिस्टर इंडिया कंपनी अपने एम्प्लॉय को अलाउंस भी प्रोवाइड कर रही है। तो अलाउंस भी हिसाब में लेना है, एमिनिटीज प्रोवाइड कर रही है, फैसिलिटीज पर एनम बोला, क्या बोला, तो उसको छेड़ने का नहीं, डायरेक्ट लिख देने का 36,000, ये हो गया साल का, ये क्या हो गया, साल का, सिंपल। अभी इसको अपन जोड़ेंगे ना तो अपन को मिलेगा टोटल लेबर कॉस्ट, क्या मिलेगा, इसको ऐड कर दो ना फटाक से, तो वापस बोलो, 9,633,60, चलो मान लो ये टोटल आ गया, एक जन और क्या चेक कर लेना, 9,63,360, ये क्या हो गया, कंपनी मोगाम्बो के ऊपर साल का खर्चा कर रही है। पर इधर सवाल क्या है, अपनों का क्या निकालेंगे, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट इफेक्टिव आवर रेट, कंपनी एक घंटे का जो कितना दे रही है उसको, मतलब उसकी एक घंटे की पगार कितना है, कंपनी का एक घंटे का खर्चा कितना हो रहा है। तो पहले देखेंगे कि बंदे ने कितना घंटा काम किया, तो मोगाम्बो वर्क 200 आवर्स फॉर पर एनम, साल में कितना घंटा काम किया, 2,000, साल में कितना घंटा काम किया, जिसमें 200 उसने टाइम पास किया है, आइडल टाइम मतलब कुछ काम हुआ, कुछ प्रोडक्शन हुआ, आया बस बैठा, खाया पिया, घुमा फिरा, कैंटीन घुमा, इधर गया, ऊपर गया, नीचे गया, टेरेस पे गया, तो 200 घंटा कुछ काम हुआ नहीं, आइडल मतलब खाली, आइडल बोले दो, तो उसने कितना घंटा प्रोडक्टिव काम किया, 1,800 घंटा, कितना घंटा काम किया, तो एक घंटे की पगार निकालेंगे ना, लेबर रेट पर आवर, क्या लिखेंगे, लेबर रेट, तो कैसे होगा मालूम है, कितना घंटा काम, कितना रुपया कंपनी खर्चा करी साल का, 9,63,360 रुपीज़ है, और कितना घंटा काम किया, 1,800, तो इसको डिवाइड करो, एक घंटे की पगार आएगी कितना आएगा, 535.2। तो कंपनी ये बोले, कंपनी कौन सी कंपनी है, इंडिया मोगाम्बो को एक घंटे का कितना दे रही है, 535, तो 9 बजे आया काम पे, 9 से 6 काम कर रहा है, 9 से 10 कितना जमा उसका, 535, और एक घंटा 2 घंटा काम किया, 1,000 रुपये जमा, और 2 घंटा काम किया, लंच के पहले 2,000 जमा हो गया ना, फिर खाना जाएगा, फिर मतलब कंपनी उसको एक दिन का 4,000 दे रही है कम से कम, कितना दे रही है,
तो वैसे वंडी कुछ काम करता रहेगा तो कंपनी का कॉस्ट है एक घंटे का, एक घंटे का कितना है 525। ये था लेबर कॉस्टिंग का सम, किसका सम था? तो अच्छा खासा सम शॉर्ट में करा दिया, ज़्यादा घुमाया फिरा ही नहीं। ओके, अब इसका हार्ड हार्ड खतरनाक जो भी है रोमन हेल्सी पीस रेट सब करा दिया हो, बस तुमको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच।